बांका जिले के अमरपुर शहर के साई मिशन स्कूल परिसर में ट्रक ऑनर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने किया। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने 14 चक्का वाहनों पर बिहार सरकार के द्वारा लगाई गई प्रतिबंध पर गहरी नाराजगी व्यक्त किया। मौके पर जिला अध्यक्ष ने उपस्थित सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि आज बिहार सरकार ट्रक ऑनरों के साथ पूरी तरह नाइंसाफी करते हुए काला कानून पास कर ट्रक ऑनरों को तंग व तबाह करने की नाकाम कोशिश कर रही है, जिसे ट्रक ऑनर के सदस्य गण कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। 14 चक्का पर प्रतिबंध हटाने के लिए ट्रक ऑनर के सदस्य गण हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर फिर भी इंसाफ नहीं मिला तो मजबूरन ट्रक ऑनर के सदस्य गण पूरे बिहार में चक्का जाम करते हुए उग्र रूपन आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं ट्रक ऑनर एसोसिएशन के जिला सचिव रंजीत यादव ने बताया कि आज 14 चक्का पर बालू ढोने एवं गिट्टी लोड करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन फिर भी 14 चक्का ट्रक मालिकों से टैक्स लिया जा रहा है, परमिट दिया जा रहा है, यह कैसा कानून है? इन्होंने बिहार सरकार से अविलंब प्रतिबंध हटाने की मांग किया ताकि बिहार में ट्रक मालिकों को हो रही परेशानियों से राहत मिल सके। इस अवसर पर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष संजीव कुमार राय, समाज सेवी सह एसोसिएशन के सदस्य अस्कर अली, राजू यादव, अमित कुमार, संतोष कुमार, धमेंद्र यादव, सचिव कुमार सह, रवि कुमार, राहुल यादव, राहुल कुमार, रंजन कुमार समेत दर्जनों की संख्या में ट्रक ऑनर एसोसिएशन के सदस्यगण उपस्थित थे। हम लोग सरकार से गुजारिश करते हैं कि सर, हम लोग आपको रोड टैक्स के रूप में, टोल टैक्स के रूप में, इंस्टॉलमेंट के रूप में इतना ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, और यदि हमारी गाड़ी 14 चक्का बंद हो जाती है तो फिर हम लोग उसका कहाँ से किस्त देंगे? एक एक गाड़ी मालिक के ऊपर मिनिमम एक गाड़ी पे 22 लाख रुपया प्रत्येक फाइनेंस कंपनी का कर्ज है। जैसे मेरे पास अभी 5 गाड़ियां हैं 14 चक्का, 1,10,00,000 रुपया महिंद्रा, चोला, हिंदुजा, ऐसी सब कंपनी का फाइनेंस है। हम लोग जो सरकार 14 चक्का गाड़ी पे जो रोक लगाया, प्रतिबंध लगा दिया, कानून लागू कर दिए, हम लोग अब इन लोगों के, इसके सरकार के विरोध में हम लोग जो है बैठक किए। हम लोगों की मांग है कि 14 चक्का गाड़ी आपने निबंधन करा दी, आज भी परमिट ले रहे हैं, आज भी टैक्स ले रहे हैं, तो ये नहीं लेनी चाहिए। बांका जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के रतनपुर मकदुम्मा भीमशेर मुख्य पथ पर शुक्रवार की अहले सुबह एक वृद्ध का शव मिलने से सनसनी फैल गई। देखते ही देखते ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई। इसी बीच पंचायत के मुखिया नकुल प्रसाद सिंह घटना की जानकारी अमरपुर थाने में दिया। जानकारी मिलते ही अमरपुर पुलिस निरीक्षक वकील प्रसाद यादव एवं थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय, अवर निरीक्षक राजेश कुमार सिंह, सहायक अवर निरीक्षक कपिल देव यादव, जमशेद खान पुलिस बलों के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए हैं। मौके पर पहुंचे कुछ ग्रामीणों ने मृतक की पहचान बांका जिले के सम्मुखिया गांव निवासी गुलाटी मल्लिक के रूप में किया है। पुलिस द्वारा घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दिया गया। सूचना मिलते ही मृतक के तीनों पुत्र समेत अन्य परिजन घटनास्थल पर पहुंचकर सबका शिनाख्त किया। मौके पर पहुंचे परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था। घटनास्थल पर पुलिस निरीक्षक वकील प्रसाद यादव एवं थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय के द्वारा किए गए निरीक्षण के दौरान सबके पास एक कारतूस का खोखा बरामद किया गया। वहीं मृतक को अपराधियों ने सीने में एक गोली मारी है, जबकि एक कारतूस का खोखा सबके किनारे पड़ी हुई मिली। मामले को लेकर मृतक के बड़े पुत्र संजय मलिक ने बताया कि मेरे पिता तांत्रिक का कार्य करते थे और सम्मुखिया मोड़ पर अलग कमरा लेकर किराए पर रहते थे। गुरुवार की रात्रि करीब 1 बजे मेरे पिता अचानक गायब हो गए। शुक्रवार के दिन पिता की मौत हो जाने की सूचना मिली। किसी से दुश्मनी था? दुश्मनी तो था सर। किससे दुश्मनी था? थोड़ा मारुड़ी से। अच्छा, उसी दुश्मनी के कारण हो सकता मारा होगा जी। चलिए, कब आप लोग को जानकारी मिला? हमको सर भोर में पता चला कि उठा के ले गया है। घर से उठा के ले गया था जी। उसके बाद? उसके बाद हम लोग भोर से खोजने लगे, कहाँ गया, ले गया। यहाँ कैसे पता चला? पता चला सर, हम लोग फोन लगाए अमरपुर, अमरपुर से पता किए। घटना के संबंध में मृतक के परिजन कुछ भी बताने से अनभिज्ञता जाहिर किया। वहीं सबको अपने कब्जे में लेते हुए पुलिस के द्वारा पोस्टमार्टम कराने के लिए बांका भेज दिया गया। मौके पर थाना अध्यक्ष ने बताया कि घटना की जांच किया जा रहा है, बहुत जल्द हत्या में संलिप्त लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल देखा गया। लग रहा पूर्व दुश्मनी से, जैसा उसका परिजन बता रहा है। और क्या परिजन क्या उम्मीद करेगा, न्याय कब तक मिल पाएगा? न्याय मिलेगा, चाहते हैं आज गिरफ्तारी। मौके पर कुछ ग्रामीणों ने बताया कि गुरुवार की रात्रि करीब 2 बजे फायरिंग की आवाज सुनी थी। किसे पता था कि अपराधियों की द्वारा जघन्य अपराध को अंजाम दिया जा रहा है।